ये देखिए, यह है यहाँ का प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर। और मैं नीचे जा कर के दिखाती हूँ, यहाँ पे सूज वगैरह खोलना है फिर उसके बाद। देख सकते हो यहाँ से मैं पहले हाथ पैर धोती हूँ फिर उसके बाद दिखाऊंगी। तो मंदिर का बैक एरिया पूरा ये है, और यहाँ से पूरी परिक्रमा करते करते जाते हैं। और यहाँ आती है रुद्रनाथ जी की डोली, और जन्माष्टमी वगैरह भी यहाँ बहुत अच्छे से होती है। और ये आजकल नया काम चल रहा है इधर, और ये पूरा है बैक साइड का। और इधर से पूरी परिक्रमा करते हैं, और आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि जल कहाँ पे चढ़ाते हैं। ये यहाँ पे जल चढ़ता है, और यहाँ से फिर ये आपको सामने पे हनुमान जी का मंदिर दिखेगा। और इसके बाहर से ये त्रिशूल है, काफ़ी पुराना है। और इस त्रिशूल की एक मान्यता है कि इसको इस उंगली से ना हिलाओ ना, सबसे छोटी वाली फिंगर से, तो ये हिलता है। पर अब लोगों ने बहुत हिला दिया है, तो अब इस पर हाथ लगाने नहीं देते, बोलते हैं कि इसको टच मत करो। और इधर से आपको दिखाती हूँ, फ्रंट साइड तो मैंने आपको दिखा दिया है, ये साइड से ये देखो, और ये साइड वाला पूरा एरिया है। और यहाँ पे होली का जो भी पर्व होता है वो यहीं पे मनाया जाता है। होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है यहाँ। अभी मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी आरती का टाइम नहीं हुआ। आरती का टाइम होता है शायद 7 बजे, 7 बजे आरती वगैरह होती है, तो उस समय काफ़ी भीड़ होती है। ये देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर का परिसर है। मुझे लग रहा है शायद आजकल यहाँ काम वगैरह चल रहा है, तो इसलिए कुछ ना कुछ काम हो रहा है। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताना है कि आप लोगों को यहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर कैसे लगा। और काफ़ी साधु संत भी यहाँ आते रहते हैं। और आगे से चल करके दिखाती हूँ, अभी एक तो लोग बैठे हुए ना, तो मुझे थोड़ी सी शर्म जैसी भी आ रही है। और यहाँ पे शनि महाराज का मंदिर था, और अभी काफ़ी टाइम से यहाँ भी थोड़ा हटा दिया है शायद, मुझे लग रहा है कुछ और काम चल रहा है यहाँ। डॉली और मैं काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो एक फोटो या रील्स वगैरह तो कुछ ना कुछ तो जरूरी है, बनेगी ही। और रील्स बनाते हैं, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स आपको दिखी जाएगी। अब ये रील्स बनाती हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे से मंदिर का परिसर दिखाऊँगी। आरती वगैरह तो शायद हम रुक नहीं पाएंगे इतना टाइम, 7 बजे से होती है, फिर अंधेरा भी जाएगा, तो आरती का किसी और दिन दिखाऊंगी। अब फ्रंट से दिखाती हूँ गोपीनाथ मंदिर। अब मुझे लग रहा है वो होने वाली है, पूजा होने वाली है, मतलब आरती वगैरह, तो शायद लोग भी दिखने लग गए हैं। देख सकते हो आगे से ये लड़ी वगैरह चलने लग गई है। अभी सूज पहन रही, अभी तो मंदिर में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, आरती हो रही। मैं तो इसीलिए नहीं आई जूते पहन करके, बहुत टाइम लगता जूते पहनने में, है ना, टाइम लगता ना जूते पहनने में। दर्शन वगैरह भी कर लिए हैं, और आप लोगों को भी करा दिए हैं। बस आरती का टाइम शायद मुझे लग रहा है 7 बजे से होगा, तो इतने टाइम रुकेंगे नहीं। और देख लीजिए लास्ट टाइम गोपीनाथ मंदिर कैसा लगा, कॉमेंट आएंगे ना। आज काफ़ी टाइम बाद मंदिर में आकर के सच में बहुत सुकून मिला, और डॉली भी बहुत टाइम बाद आ रही है, मतलब हम दोनों साथ ही में आए थे जब आए थे पिछली बार, है ना। और चलते हैं मार्केट का, तो क्या ही दिखाएंगे, अगर कुछ खाएंगे। इसके से इतने जल्दी जल्दी बुलाया कि मेरे साथ हाँ। कोई नहीं है मंदिर में, तभी तो मंदिर नहीं आए हाँ। कल मैं आई, आज मंदिर। हाँ, मंदिर के बगल पे भैया की दुकान है, और यहीं पे आर के हम मुझे बोल रहे कि मैं तेरे ब्लॉग देखता, बता दो, बोलो। अच्छा लगता है ब्लॉग आपका हाँ। और हम चाहते हैं और ज्यादा आपके व्यूज हो, और पूरे लोग देखें, अच्छा लगता है। हाँ, ये मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग बोलते हैं मैं तेरे ब्लॉग देखता हूँ। ये मेरे फैन बन चुके हैं, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मंदिर के बगल पे इनकी शॉप है, आते रहिए, जो भी लोग मुझे देखते हैं वो लोग आना एक बार जरूर, थोड़ा डिस्काउंट देंगे फिर। तो मार्केट में इतनी भीड़ है, और मेरे को तो वैसे ना कपड़े भी लेने थे आज, पर मेरी मम्मी मेरा ब्लॉग देखेगी तो बहुत गालियाँ देगी, इसलिए अभी कपड़ों को साइड रखते हैं और घूमते हैं, कुछ खा पी करके आते हैं फटाफट से। और हम जा रहे हैं यम्मी में ना हाँ, यम्मी में जा रहे हैं। मैं बहुत कमाती हूँ यहाँ, इसीलिए मेरे को ज़्यादा नाम नहीं पता। यहाँ से मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ, ये है मार्केट, और यहाँ से हम चलते हैं यम्मी में कुछ खाने पीने के लिए, जहाँ मैं मामी के साथ आई थी परसों, बस वहीं। तो इतनी सारी भीड़ लग रही है,
और यहाँ से सामने दिखता है बसंत विहार, पर अभी दिख नहीं रहा है। डॉली क्या खाएगी? जो बोलती ये, मैं मतलब मैं जब भी आती हूँ तो डॉली के साथ, तो डॉली का यही कहना रहता है कि जो तू खाएगी वही मैं खाऊंगी। क्या खाएगी? और यहाँ सच में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो इसलिए ज़्यादा हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। डॉली बोल क्या खाना है? ये वाला पार्ट तो मैं ज़रूर डालूंगी। भैया को तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि नहीं आपको भेजूँ, पर फाइनली आ गई। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। चौमिन खाएगी? डॉली और मैं आ गए हैं दूसरी जगह, और यहाँ पे आके स्प्रिंग रोल खाने के लिए। ये हमारी सबसे पुरानी दुकान है, मतलब हमारी नहीं है, अंकल जी की है, पर हम यहाँ काफ़ी टाइम से आते हैं स्प्रिंग रोल खाने के लिए संगम में। तो आप लोग जो यहीं के होंगे तो वो आते रहना, और जो यहाँ के नहीं होंगे, जो पहली बार आएंगे गोपेश्वर, तो यहाँ संगम में जरूर आना। मेन रोड पे ही है, यहीं पे मेन रोड है, ये पुलिस लाइन के इधर ही पे है। हम तो मतलब जब ये दुकान यहाँ PNB के बगल पे थी तब से आते हैं, हम बहुत टाइम से आते हैं। इसी दुकान में आ गए हम दूध लेने के लिए। छक दूध ले जा रहे हैं हम और भैया की दुकान से। एक टॉफी भी नहीं खिला रहे। अपनी बेबी होने की खुशी में ना ये एक सेंटर छोड़ दिया। हम दो जने हैं, दो नहीं दिया, एक ही दिया। बोला कि नहीं, एक एक काफ़ी है तुम दोनों के लिए, आधा आधा करेंगे। है मानू भाई, बोलो तो सही, मैंने दिया, मैंने दिया, जबरदस्ती निकाला। अभी 6:30 बजे घर पहुंच रही हूँ, और बस आज का जो भी ब्लॉग बना बहुत लंबा हो गया होगा शायद, तो इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी करते रहिए, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।